एज अ ट्रैवल व्लॉगर मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपके सामने कुछ ना कुछ यूनिक कंटेंट आए, चाहे वो लॉन्ग जर्नीज हो या फिर थीम रेस्टोरेंट हो, या हम बात करें यूनिक होटल्स की। पहले मैंने आपको दिखाया था कैप्सूल होटल, आज मैं आया हूँ महाबलेश्वर, जहाँ पर आप देख सकते हैं शिपिंग कंटेनर थीम बेस्ड होटल। शुरू करें, चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़, दिस इज़ नॉट अ पेड वीडियो, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, अदरवाइज़ लोग पता नहीं बाद में क्या क्या सोचते रहते हैं। और ये होटल दो चीज़ों के लिए सब स्पेशल है, पहला है कंटेनर थीम है और दूसरा आपको ऐसे नज़ारे मिलते हैं, ऐसे व्यूज़ मिलते हैं और ऐसा वेदर। लेट्स स्टार्ट। देखिए, नॉर्मली आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, आप होटल में रहते हैं, वो तो बहुत नॉर्मल है। बट महाबलेश्वर का ये होटल इसलिए स्पेशल है बिकॉज आपको मौका मिलता है कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने का। दिस इज़ शिपिंग कंटेनर, जिसमें आपको मिलती हैं बेस्ट फैसिलिटीज़। तो इस वाले व्लॉग में मैं आपके सामने सब डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी कॉस्टिंग, बेस्ट टाइम टू विज़िट, यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आप यहाँ पर कैसे विज़िट कर सकते हैं। शुरू करें तो चलिए, ये वाला व्लॉग होने वाला है दोस्त बहुत स्पेशल। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। देखिए तो सही, देखने में ही मतलब कितना सही लगता है। अभी तो रुकिए, मैं आपको पूरा इंटीरियर भी दिखाऊं। इस वाले व्लॉग में मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अलग अलग कंट्रीज़ एक्सप्लोर करता हूँ, अलग अलग डेस्टिनेशंस विजिट करता हूँ, बट ट्रैवल करके व्लॉगिंग करना ये आसान नहीं है। बढ़ते दामों में अपने हॉबी और पैशन को कंटिन्यू करना, इट इज़ टफ, जिस वजह से मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक नया तरीका देखा है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन। डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच कुबेर, इट इज़ द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अराउंड। कॉइन स्विच कुबेर सबसे सिंपल, फास्ट, सिक्योर, इजी एंड ट्रस्टवर्दी क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप है इंडिया की। इवन RBI इज कमिंग अप विथ इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी इजी टू यूज़ इंटरफेस है और पैसे विड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम। 24/7 आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके साथ साथ आपको मिलता है 24/7 सपोर्ट भी। और UI की बात करें, UI इट इज़ सो सिंपल, एज इजी एज ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक कीजिए, कॉइन स्विच कुबेर को डाउनलोड कीजिए, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टवर्दी क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप। और हाँ, आप पाएंगे फ्री बिटकॉइन वर्थ ₹50। मैं आपको बता दूँ, इस होटल में मैं एक रात स्पेंड कर रहा हूँ। अब बारी है आपको इस शिपिंग कंटेनर के इंटीरियर दिखाने की। मुझे मिला है कंटेनर नंबर 8, चलें आइए। अब ये देख लीजिए, अंदर से कुछ ऐसा लगता है ये कंटेनर। अब मैं आपको डिटेल में पूरा यहाँ पर इंटीरियर दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और आपको क्या क्या मिलता है। ये देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करता हूँ, ये आपके पास यहाँ पर डबल बेड है, फिर यहाँ पर TV दिया गया है और यहाँ पर ये देख लीजिए, इस साइड आपको पूरा, अगर मैं ऐसे दिखाऊँ, यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा AC इन केस अगर आप समर में आ रहे हो। राइट नाउ बिकॉज मानसून है तो यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं। इस तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पर ये लगेज का पूरा दिया गया है, ये देख लीजिएगा लगेज रखने का यहाँ पर दिया गया है पूरा। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉफ़ी का दिया गया है, मिल्क पाउडर दिया गया है, कुछ कुकीज़ दी गई हैं। दिस इज़ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ये मैंने आपको दिखा दिया। इस तरफ ऐसे एक वाइड व्यू अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऐसे देख लीजिएगा। और इस तरफ यहाँ पर देखिए, ये है बाथरूम, इस तरफ देख लीजिए ये मिरर दिया गया है और यहाँ पर है आपके लिए बाथरूम।
बाथरूम में यहाँ पर शावर, बिकॉज गीजर है तो गर्म पानी ठंडा पानी डिपेंडिंग अपॉन द सीजन जिसमें भी आप आ रहे हैं। ये हो गया, और इस तरफ मैं आपको और दिखा दूँ, ये देखिए ये है इसका पूरा वॉशरूम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको वाइड एंगल, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन कंटेनर, तो आप देख लीजिए इसको अंदर से इस तरह से डिजाइन किया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आप यहाँ देखोगे ये है इसकी गैलरी, ये देखिए, बिकॉज ये है प्राइवेट कंटेनर। आप इसको ओपन कीजिए और आपको देखिए फर्स्ट क्लास ऐसी गैलरी मिलती है दोस्त, मतलब इसका तो अलग ही मज़ा है भाई। देखो थोड़ा साउंड में मैनेज करना, बिकॉज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, थोड़ा हवा भी बहुत तेज़ चल रही है तो साउंड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। बट आप ये देखिए गैलरी में यहाँ सुबह बैठ के अपने पार्टनर के साथ पार्टनर के साथ बैठ के चाय कॉफ़ी का आनंद लीजिए। अब थोड़ा अंदर चलेंगे, थोड़ा अंदर चल के बात करेंगे। अब एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूँ, ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ प्राइवेट कंटेनर, यहाँ पर टोटल 16 यानी कि 16 प्राइवेट कंटेनर हैं प्लस 8 डॉमेट्रीज, 7 आर मिक्स लेडीज एंड जेंट्स बोथ, और एक डॉमेट्री है ओनली फॉर लेडीज। एक डॉमेट्री में 6 बेड्स हैं। बेस्ट पार्ट ये है जो डॉमेट्री है उसमें वॉशरूम्स अटैच हैं। आप ये प्राइवेट कंटेनर देख रहे हो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ट्राई कीजिए अगर आप वीकडेज को आ सकें, बिकॉज वीकेंड्स को ये प्राइवेट कंटेनर नहीं मिलते। मैं आया हूँ वीकडे को तो लकीली यहाँ पर क्राउड नहीं है, आप इसकी टोटली ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मैं आया हूँ मॉनसून में, बाहर इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, आपको मैं क्या बताऊँ। अब आप सोच रहे होगे कॉस्टिंग के बारे में, तो मैं आपको कॉस्टिंग का बता दूँ। प्राइवेट कंटेनर वीकडेज आपको मिलेगा अराउंड 3500 फॉर टू पीपल, वीकेंड्स में प्राइजेस डायनामिक हैं, मतलब 4500 5000 हो सकता है डोमेट्री का पर बेड। वीकडेज इट इज़ अराउंड 1500 प्लस टैक्सेस वगैरह हो सकते हैं, और वीकेंड्स में अगर आप बुक करोगे तो शायद प्राइजेस थोड़ा बहुत ऊपर हो सकते हैं। इस कॉस्टिंग में फूड वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। बुकिंग आप Airbnb.com पे कर सकते हो, मैंने थ्रू Airbnb किया है बिकॉज मेरे पास ट्रेवल क्रेडिट रखे थे, तो मैंने करंटली इस बुकिंग के लिए एक भी रुपया पे नहीं किया है। Booking.com के थ्रू आप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप Zostel वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है हाउ टू रीच दिस प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो होटल है वो महाबलेश्वर में लोकेटेड नहीं है, महाबलेश्वर से हम ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स पहले हैं। महाबलेश्वर प्लस पंचगनी के बीच ये जगह है डांडेघर, अगर आप गूगल मैप्स में डालोगे Zostel पंचगनी आप डायरेक्टली यहाँ आ जाओगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो गया पुणे, नियरेस्ट एयरपोर्ट हो गया पुणे। अगर आप मुंबई टू पुणे वाया बस आ रहे हो, इससे पहले मैंने व्लॉग डाला है मुंबई टू महाबलेश्वर का, उसमें आप सब डिटेल्स देख सकते हो। और अगर आप भाई खुद की कार से आ रहे हो तो ये देखिए यहाँ पर आपको कार का पार्किंग का ऑप्शन दिया गया है, दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा मैंने आपको बताया दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट इन महाबलेश्वर, तो चॉइस आपकी है, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स अगर आप महाबलेश्वर घूमने जा रहे हो आपको 40 मिनट्स ड्राइव करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू कम बैक। भाई मेरा काम है आपको बताना, अब चॉइस इज़ टोटली योर्स। एमिनिटीज़ का आपको इस होटल का मैं आपको दो तीन चीज़ें और बता दूँ, एल्कोहल इज़ अलाउड, स्मोकिंग इज़ अलाउड, और यहाँ पर नीचे कॉमन रूम है जिसमें एक कॉमन फ्रिज रखा गया है, तो इनकेस अगर आप एल्कोहल कैरी कर रहे हो तो आप वहाँ पर वो चिल्ड कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ कोविड एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, लास्ट 48 आवर्स की यू हैव टू कैरी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। येस मैं कैरी कर रहा हूँ, इनकेस अगर आप रिपोर्ट कैरी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हो एट द रिसेप्शन, एंड फॉर दैट पर पर्सन यू हैव टू पे 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा। फ्री वाईफाई आपको यहाँ पर मिलेगा, सर्विसेज आप पूरा ये होटल देखिए, ऊपर आकर आप देखोगे यहाँ पर सच में मज़ा आता। और नीचे जो एक रूम है वहाँ पर क्या है, म्यूज़िक लगा रखा है, एक अच्छा थिएटर, मतलब थिएटर सिस्टम लगा रखा है, वहाँ पर आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनिए, एकदम चिल करिए। सो करेंटली टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 6:00, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और यहाँ पर जो पीस है ना बस पूछिए मत। अब मैं आपको फूड का बता दूँ, करंटली मैं बैठा हूँ दिस इज़ कॉमन एरिया, यहाँ पर आप बुक रीड्स कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, एंड देर आर मैनी मोर गेम्स। मैंने ऑर्डर किया है पास्ता, लाजवाब। फूड का आपको बता दूँ, ब्रेकफास्ट इट इज़ 150 रुपीज़ पर पर्सन, दैट इज़ अनलिमिटेड। लंच और डिनर यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे, पर पर्सन पर मील मिनिमम कॉस्ट आप मान के चलिए 300 रुपीज़। पास्ता एंजॉय करने दीजिए, अभी थोड़ा नाइट होने दीजिए, फिर मैं आपको
अपने कंटेनर से वो जो हिल का व्यू है, पहाड़ों का व्यू है, आपको वो भी दिखाऊंगा। करंटली इट इज़ 10 o'clock और आप ये व्यू देख लीजिए, पूरी तरह से अंधेरा है, यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, बट यहाँ जो सुकून है, एकदम ऐसी हवा चल रही है मुंबई के ट्रैफिक से एकदम दूर। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, एक बार ये वाली प्रॉपर्टी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल हल्की फुल्की ठंडे। और अगर आप विंटर में ट्रैवल कर रहे हो, प्लीज़ कैरी वार्म क्लोथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी ठंड लग रही है तो सोचिए तब क्या होगा, ठीक है। तो बस डे वन मेरा इस होटल में यहीं एंड होता है, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, थोड़ा आराम करेंगे। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी कल सुबह, मेरे को तो पूरी नाइट निकालनी है, आपके लिए बस कुछ सेकंड में मॉर्निंग हो जाएगी, ठीक है दोस्त। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर पूरे कंटेनर में, शिपिंग कंटेनर में, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप अलोन, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह, गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम डांडे घर वाई पंचगनी, और मैं हूँ करंटली महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में, और आप देखिए मॉर्निंग की शुरुआत इतने सुंदर व्यूज़ के साथ होती है। बट मुझे आपको एक चीज़ कहनी पड़ेगी, इनकेस अगर आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो, सी आई वोंट रिकमेंड यू दिस प्रॉपर्टी फॉर फैमिली, बिकॉज अगर आप देखोगे क्या ना, एक्चुअली कंटेनर है तो क्या है, स्पेस उतना नहीं है, एंड इनकेस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स तो किड्स के लिए तो यहाँ पर जगह है ही नहीं। और अगर आप 2-3 बड़े लगेज सूटकेस कैरी कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या तो आपको एक एक्स्ट्रा प्राइवेट कंटेनर बुक करना पड़ेगा, या आपको डोमेट्री में बेड्स बुक करने पड़ेंगे, और कोविड टाइम में डोमेट्री में स्टे करना आई गेस इट इज़ नॉट द राइट थिंग। तो फैमिलीज के लिए आई वोंट रिकमेंड यू दिस प्रॉपर्टी। चेकआउट टाइम, चेक इन टाइम आपको बता दूँ, चेक इन टाइम है 12 बजे का और चेकआउट टाइम है 10 बजे का। बट रात को जो नींद आई है, मज़ा आ गया। देखिए वापस यहाँ एकदम ऐसी हवा चल रही है, दिस इज़ कड़ा। बस थोड़ी देर में मैं इस प्रॉपर्टी से चेकआउट करने वाला हूँ, बट उससे पहले आपको ब्रेकफास्ट भी दिखाना बनता है। ये देखिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ब्रेकफास्ट के लिए आपको यहाँ पर कूपन लेना पड़ता है। ये देखिए दिस इज़ कूपन, पर पर्सन ब्रेकफास्ट की कॉस्ट है 150 rupees, अनलिमिटेड वेज नॉन वेज खाइए। नॉन वेज में यहाँ पर चिकन सॉसेज है प्लस बॉइल्ड एग्स हैं। मैंने लिया है पोहा, उसके साथ साथ ये रहा मिसल कड़क। और ये चीज़ कहनी पड़ेगी दोस्त, यहाँ का फूड इट इज़ वेरी टेस्टी। कल मैंने पास्ता खाया था, फिर नाइट में मैंने नूडल्स खाया, और अब ये दिस इज़ ब्रेड पकौड़ा। ये चीज़ है, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। और मैंने आपको ये कॉमन रूम पहले ही दिखाया है, यहाँ पर आप बैठिए। अगर आप ये देखोगे, इन्होंने यहाँ पर पूरा सिटिंग एरिया बना रखा है, अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, ग्रुप में आ रहे हो, आप यहाँ पे आराम से बैठ के चिल कर सकते हो, गाने सुन सकते हो। और ये चीज़ है जो इस हॉस्टल की लोकेशन है ना, लोकेशन इज़ द की, मान गए दोस्त। और ये मिसल पाव प्योर महाराष्ट्रियन भाई, दिस इज
सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। होटल से अब मैं जा रहा हूँ चेकआउट। ये रही देखिए नीता की बेंज स्लीपर बस, दिस इज़ महाबलेश्वर टू मुंबई। तो जोस्टल आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, बिल्कुल मेन रोड पे लोकेटेड है अगर आप बाय बस आ रहे हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए जो महाबलेश्वर पंचमी घूमने आ रहे हैं। और बस कंटेंट पसंद आया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये नीता की बस लेके मैं पहुँच जाऊँगा मुंबई बोरीवली करीब शाम को 7:30 बजे के आसपास। तो बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, वर्क फ्रॉम होम करते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल करते रहिए। दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नी। चले दादा, टाटा, टेक केयर, मज़ा आ जाएगा। ये है एसी स्लीपर भारत बेंज